क्वेश्चन नंबर टू, ए सेविंग मशीन निडल्स मूव विद अ रैपिड वाइब्रेटरी मोशन लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज इट सेव्स अ सीन. सपोज द निडल मूव्स 8.4 मिलीमीटर फ्रॉम इट्स हाइएस्ट टू इट्स लोवेस्ट पोजिशन एंड इट मेक 24 स्टेजेस इन 9 सेकेंड. वॉट इज द मैक्सिमम निडल स्पीड? 8.4 मिलीमीटर को पहले तो हम इसको जाहिर है 2 से डिवाइड करेंगे एक्स नॉट के लिए और ये आ जाएगा आंसर मीटर में. अब देखो टाइम पीरियड हो जाएगा 9/24.375 भी लिख सकते हो, चौथा 3/8 भी लिख सकते हो. वी होता है 2π/T, 2π/0.375 या 3/8 जो सही लगे, 16π/3 या क्या आ गया ओमेगा. अब वी मैक्सिमम का फार्मूला होता है ओमेगा एक्स नॉट, ओमेगा 16π/3 एक्स नॉट, ये रहा भाई. तो ये आंसर आ जाएगा वी मैक्सिमम 7 m/s इज योर आंसर. तो हो गया क्वेश्चन टू सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 3, एन आइडियल स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 15 N/m इज सस्पेंडेड वर्टिकली ए बॉडी ऑफ मास 0.6 kg अटैच टू द अपर स्ट्रेच स्प्रिंग एंड रिलीज. व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द स्प्रिंग इज अ मैक्सिमम और व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड. तो देखो स्प्रिंग कांस्टेंट ये है 15 N/m, m 0.6, एक्स नॉट, वी मैक्सिमम, एक्स नॉट कुछ भी नहीं पता. अब देखो एक्स नॉट निकालने के लिए तो आसान से तरकीब, एक फार्मूला होता है के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी. तो एक्स नॉट हो जाएगा एम जी अपॉन के, एम दिया हुआ है, के दिया हुआ है, जी की वैल्यू 9.8 होती है. पुट करो एक्स नॉट 0.392 m, यानी एक आंसर पहला वाला ए तो यहीं आ गया. अब वी मैक्सिमम के लिए ओमेगा एक्स नॉट, तो ओमेगा खुद अंडर रूट के एम होता है. यहाँ जो है हमारा एक्स नॉट ये दिया हुआ है, के और एम की वैल्यू पहले ही हमारे पास पता है. वी मैक्सिमम आ जाएगा 1.76 m/s. बुक में इन्होंने पता है क्या किया कि जी इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 m/s करके दिया आंसर. कह रहे बॉडी सस्पेंड वर्टिकली फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 2.5 N/m. द स्पीड इज इनिशियली इन इट्स रिलैक्स पोजिशन, द बॉडी इज देन रिलीज्ड एंड एक्सेलरेट अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन. द मोशन इज डिस्क्राइब बाय वाई इक्वल टू 4 cm साइन 0.7 rad/s. वॉट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी? के 2.5 N/m है, वाई 4 sin 0.7 rad है, ठीक है, एक्स नॉट 4 cm है, ओमेगा 0.7 है, एक्स नॉट हो जाएगा 4 cm, वी 0.7 rad/s. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो देखो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा. वी मैक्सिमम हमें पता है ओमेगा एक्स नॉट होता है, ठीक है, और खुद ओमेगा रूट के एम एक्स नॉट होता है. देखो काइनेटिक एनर्जी का आमतौर पर तो फार्मूला ही होता है ना, 1/2 mv². अरे ये मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी ये देखो अभी हमने निकाल ली, तो 1/2 mv² यानी रूट के एम एक्स नॉट का स्क्वायर, ये कर लें भाई. तो स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा के एम, फिर देखो ये एम एम भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 kx² ये आंसर आ जाएगा. मतलब बस एक्स नॉट की जगह वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, के 2.5 है, एक्स नॉट 4 cm यानी 4/100 m, इसका स्क्वायर ले लें, 2 × 10^-3 J या 2 mJ इज योर आंसर.